नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। 78% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे इंडियन मार्केट में सिर्फ टाटा मोटर्स ही एक ऐसी कार मेकर है जिसके करंट में आ रहे सभी गाड़ियों को औरों के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि ग्लोबल एनकैप में हुए क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स भी बोलते हैं। आप सभी को पता होगा, कई सारी कंपनियों ने अपने गाड़ियों का क्रैश टेस्ट इसमें करवाया है, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स ने दिया है उतना शायद ही कभी कोई दे पाए। हालांकि टाटा की एक दो कारें ऐसी भी हैं जिनका अभी तक कहीं भी क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनके कई सारे ऐसे एक्सीडेंट सामने आ चुके हैं जिसमें गाड़ियों की बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी देखने को मिली है। और ये चीज आप आज का महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा हैरियर का ये एक्सीडेंट देखकर भी समझ जाएंगे। नोएडा से मिस्टर रवि शर्मा जी ने मुझे मेल किया है और इन दोनों गाड़ियों के बीच हुए एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली के सरिता विहार में किसी जगह पर हुआ है। सर ने बताया कि उनके साथ दो लोग हैरियर से कोई मीटिंग करके फरीदाबाद से वापस नोएडा लौट रहे थे। तभी किसी रेड लाइट पर पहुंचते ही एसयूवी के सामने चल रही एक मारुति वैन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिसके तुरंत बाद ही रवि जी को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। जिस वक्त ये सब हुआ उसी वक्त पीछे से एक स्कॉर्पियो आ रही थी जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। अनफॉर्चुनेटली उसके ड्राइवर से शायद गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो सीधा जाकर हैरियर के बैक साइड में घुस गया। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों की क्या हालत हो गई है। जहां एक तरफ टाटा हैरियर का बूट और बम्पर डैमेज है, वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो का भी बम्पर, बोनट और ग्रिल डैमेज हो गया है। इसके अलावा कॉलिजन का इंपैक्ट शायद एसयूवी के इंजन तक भी पहुंच गया था। दोनों गाड़ियों में बैठे पैसेंजर्स की बात करें तो सभी लोग बिल्कुल सेफ थे। यहां पर दोनों ही एसयूवीज ने अपने बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से परफॉर्म किया है। हालांकि हैरियर का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है क्योंकि वो स्कॉर्पियो के मुकाबले मजबूत बनाई गई है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो एक 0-स्टार रेटेड कार होने के बावजूद उतनी डैमेज नहीं हुई जितनी इस जगह कोई और दूसरी गाड़ी हो जाती। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।